केवल और केवल अपोजिशन में जो निगाह लगाए हुए है वो हरियाणा की जनता का आप पर विश्वास टिका हुआ है। हम मैं भी 45 साल से पत्रकारिता में हूँ, पिताजी भी मेरे उनसे पहले से पत्रकार रहे, आप जानते हैं दोनों पार्टी के सही राम जो है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सौंपने में क्यों देरी कर रही है कांग्रेस हाईकमान। हरियाणा की जनता पिछले 5 साल से जिस तरह का शासन भुगत रही है, लोगों को हैरानी इस बात से है, हम भी जनता से जुड़े हुए बात करते हैं कि हालात हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों में जो हमें व्यक्तिगत लगते हैं, मैं भी 35 साल से पंचकूला रह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं था कि रतन लाल कटारिया बन सकता है। हम 1 लाख की वोटों के अंदाजे से शैलजा जी की जीत लगाते थे और चंडीगढ़ में भी यही था, पवन बंसल की जीत लगाते थे। हमें अचंभा हुआ जब रिजल्ट आए। मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो जनता में भी बड़ी शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 20 दिन तक लगातार जाके ईवीएम के बारे में कंप्लेंट करती रही, इलेक्शन कमीशन और उनके खिलाफ ईवीएम के मनु सिंह जी से पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दिलवाई, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी, हमने कुछ इलेक्शन में कर सकते, तो अब वो क्यों नहीं बोलते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ा है या कुछ शंका है हमें, इतना लोगों ने वोट दिया नहीं ऐसा हमें लगता है। आज जो कल हरियाणा की अपोजिशन पार्टी ने सबने मिलकर फैसला लिया है कि हम ईवीएम के खिलाफ बात करेंगे और पेपर जो हरियाणा में वोटिंग हो वो बैलेट पेपर से हो, तो आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए? देखिए तो साहब, पहले तो आपने कहा कि हरियाणा का 5 साल शासन जो है जी शासन नहीं है, एक कुशासन कुशासन भुगत रही है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सरकार हर उसमें विफल सरकार है जी। दूसरा, लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया आपने जी, देखो लोकसभा का जहाँ तक सवाल था वो मुद्दा दूसरा था, वहाँ तो मोदी लहर और छदम राष्ट्रवाद हावी हो गया पूरे देश में, और ये कोई हरियाणा से नहीं, राजस्थान में भी ये आया, मध्य प्रदेश में भी आया, यूपी में भी ये आया, तो और हरियाणा का इनकी उपलब्धि का कोई चर्चा नहीं था, इस बात की किसी ने वोट नहीं मांगी, वे हरियाणा सरकार ने 5 साल में कोई अच्छा कार्य किया है, इनका कोई चर्चा नहीं था। आप देख लो सबके, आप भाषण उठा के देख लो, सब यही कहते थे भाई हमारे काम देखो ऊपर देखो, तो ये स्थिति थी। लेकिन हरियाणा का चुनाव होगा वहाँ परिस्थिति दूसरी होगी, यहाँ मुद्दे दूसरे हैं, क्योंकि जो इसकी 5 साल का जैसे आपने कहा प्रशासन जो देखा है, हर वर्ग आज इससे विमुख है इस सरकार से, किसानों का आज बुरा हाल है, दूध एमएसपी भी नहीं लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आपने अभी देखा आज के अखबार में है जो इसमें आप राशन देते हो पुअरेस्ट क्वालिटी 16वें नंबर पे आ, बिल्कुल घटिया है, घटिया ठीक बात। तो इस प्रकार से हर वर्ग गरीब आदमी है, हमने 3,82,000 600 गज के प्लॉट दिए इस सरकार को, 5 साल हो गए एक प्लॉट नहीं दिया, व्यापारी हैं, व्यापारी कहते हैं हम तो हमारा तो कोई मुनाफा तो क्या दूर, हम पूंजी खा रहे हैं, कर्मचारी सड़कों पर रहते हैं रोज, उनको कहते हैं एक भी वायदा 183 वायदा एक भी वायदा इस पूरा किया नहीं, जबकि मतलब अब तो चुनाव होगा जी, वो हमारी सरकार की जो उपलब्धि थी जी वो, और इसकी विफलता है सरकार की विफलता है। ये जनता विश्वास भी करती है इस बात पर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे हिसाब से उड़ीसा का जब इलेक्शन हुआ तो एक ही मतदाता है, एक ही कमरे में वो वोट डालने जा रहा है, तो नेशनल लेवल पे तो उसने बीजेपी को वोट दी और उसी आदमी ने सेकंड ईवीएम पे बीजू पटनायक किरण के को नवीन पटनायक को वोट दी,
तो एक बात लोकसभा और विधानसभा अलग है होता है। आपको याद होगा 2009 में जी 10 में से 9 सीट हमारी आई थी पार्टी की, एक सीट चौधरी भजनलाल जीते थे, लेकिन तुरंत बाद जब चुनाव हुआ तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 32 सीट आई, जबकि पार्लियामेंट में कोई गिनती नहीं थी। हां था ये तो अलग अलग हरियाणा की अलग अलग जनता का। मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है जी कि हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है जी, वो समझता है इस बात को कहाँ लाभ है कहाँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद हुड्डा साहब। और हम आपसे एक और प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता, क्योंकि पिछले 5 साल से जैसा समझ पा रही है सरकार नाम की कोई चीज़ हरियाणा में है नहीं, लैंड ऑर्डर नहीं है, चोरी इतनी है, मर्डर इतने हैं, डकैतियां हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, ये सब लोग भुगत रहे हैं, फिर भी लोग लोकसभा में चुनाव में उन्होंने वोट दी मोदी के नाम पर, मान लिया। लेकिन हरियाणा में आपका क्या एजेंडा रहेगा? सबसे पहले अगर आप तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभालते हैं और हरियाणा की जनता ऐसा चाहती है, तो आपका मेन एजेंडा क्या होगा मुख्य एजेंडा? देखो, हमारा एक तो जितनी बेरोजगारी फैली है जी इनके शासन में जी, जैसे अगर प्रतिशत के हिसाब से लोगे तो 2011-12 में जो बेरोजगारी थी जी वो हरियाणा में 2.8 थी, ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत जी, जी। और अब जो सर्वे हुआ है नेशनल सर्वे ने, उसमें 8.6% प्रतिशत आ गया, तो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो एक तो बेरोजगारी का समाधान सबसे पहले चाहेंगे। अब ये अब देखो ना, स्कूलों में बच्चे जाना छोड़ दिया, सरकारी स्कूल में जाते नहीं, कितना डिक्लाइन आया है आपके 20% तक का डिक्लाइन आ गया पिछले साल के पिछले सालों में मुकाबले। तो ये जो है जो सरकार का रवैया है, ये इवेंट मैनेजमेंट की मायर है। कानून व्यवस्था देख लो आप, कानून व्यवस्था की क्या धज्जियाँ उठी हैं, उड़ी हुई हैं। आज हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है हरियाणा जी। आप देख लें, बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, महिला सड़कों में सुरक्षित नहीं है, पैसा जो है उनका ये ATM में भी सुरक्षित नहीं है, तो पेट्रोल पम्प लूटते जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। तो किसान है, मजदूर है, ये मुद्दे हैं जो हम लेके जाएंगे। एक मैं अंतिम प्रश्न आपसे करूँगा, जनता जानना चाहती है, आप इस वक्त हरियाणा में 1 of the senior most पोलिटिकल लीडर, 10 साल का आपका बहुत गहरा अनुभव है मुख्यमंत्री, तो आपके टाइम में हरियाणा की जनता को बहुत सुविधाएं मिली, तो क्या आप कोई ऐसा विचार रखते हैं कि बीजेपी को हरियाणा में सत्ता से हटाने के लिए हम पूरी अपोजिशन यूनाइट होकर कोई साझा एक मोर्चा बना के काम करें? क्योंकि 1-to-1 फाइट में अपोजिशन को हमेशा लाभ होता है। अब पूरी अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन तो आप देखो ना, इनेलो थी करें जी जी। पिछली बार 2014 में लोगों ने मुख्य विपक्षी दल इनेलो को चुने भेजा जी, और आपको याद होगा एक साल के बाद मैंने कहा था ये मुख्य विपक्षी दल नहीं है, ये मुख्य सहयोगी दल है, ठीक है। और उसका नतीजा देख लिया आपने, कहा 24% वोट थी, 1% वोट आई है, और जो स्प्लिंटर ग्रुप है उसकी 4% आई है, तो विपक्ष रह कहाँ गया जी। आप पार्टी खड़ी उसका खैर, मतलब मेरे कोई इस बात का नहीं है, अगर ऐसा समय आएगा तो जिनके जिन वैचारिक तौर पे एक हैं उस पार्टी को साथ दे सकते हैं, लेकिन चौटाला और ये मतलब इनेलो और इनका को मैं हमारे वैचारिक तौर पे एक है नहीं है, ठीक। उनके अलावा जो भी होगा पार्टी बात करेंगे, मौका देने का स्वागत रहेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता समझती है कि 1-to-1 फाइट में हमेशा अपोजिशन को लाभ रहता है, और ये तो इतिहास में हमेशा रहा है। और तो देवीलाल में एक जमाने में 90 में से 85 सीट लगे सारी अपोजिशन को इकट्ठा करके 87 में, तो अगर ऐसा प्रयास आप एक सीनियर लीडर होने के नाते हरियाणा की जनता की भलाई के लिए करें, तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए विपक्ष होनी चाहिए ना, अलदाम के शब्दों से विपक्ष नहीं है, दोनों को दम तो हो। जिस जो पार्टी को जमाने कांग्रेस है उसकी पिछली बार 22% या 28% वोट, तो जिन भी 24% से 1% आ गए विपक्ष से क्या रोल करेंगे वो, ठीक। तो हरियाणा के लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कांग्रेस हाईकमांड जल्दी से जल्दी हरियाणा के हित में, जनता के हित में फैसला करे, क्योंकि इलेक्शन को अब ढाई महीने रह गए, तो आप इसके लिए कोई विशेष
प्रयास या कोई संदेश देना चाहेंगे? पार्टी हाईकमांड को भी कोई सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, पार्टी प्रस्ताव पास करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदय साहब, थैंक यू, धन्यवाद सर, प्लीज।